हेलो गाइस ये कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनकी जो प्रोनंसिएशन होती है ना वो सेम होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स एंड उनके मीनिंग्स टोटली डिफरेंट होते हैं तो कुछ कन्फ्यूज वर्ड्स जैसे कि एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट की फ्रेंड्स डबल सी वाला जो होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना यानी कि उसको मंजूर करना यानी कि एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री टू समथिंग और टू से येस द वर्ड यूजली शोज एग्रीबिलिटी टू समथिंग एंड दिस वर्ड मीन्स कुल्ड पॉइंट एट एडमिटिंग टू समथिंग और अप्रूविंग ऑफ समथिंग यानी आप अगर आप किसी चीज़ से मंजूर हो तो आप उसको येस बोलना चाहते हो तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट करा जैसे कि टू एक्सेप्ट द अप्रूवल और टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड आई होप यू विल एक्सेप्ट अ गिफ्ट ऑफ एप्रिसिएशन तो ये होता है डबल सी वाला एक्सेप्ट एक होता है ई एक्स ई पी टी ये होता है टू तो लीव आउट समथिंग यानी कि इसको छोड़ के यानी मैं सब काम करूंगा एक्सेप्ट दिस जैसे कि एग्जाम्पल में आई वु लव टू गो शॉपिंग विद यू एक्सेप्ट दैट इट इज रेनिंग टूडे ठीक है तो ये कंजक्शन की तरह यूज किया जाता है यानी कि इसको छोड़ के इसके अलावा एट पिट नाइट आई फाउंड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट द लेफ्ट ओवरस यानी कि मुझे खाने को कुछ नहीं मिला सिर्फ लेफ्ट ओवर के अलावा तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाले एक्सेप्ट का यूज़ हो बाकी के जो थे मैं आपको दो और बताती हूँ एक्सेप्ट कौन से ये एक्सेप्ट मैंने आपको बता दिया जैसे कि शी इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प एक होता है अस्पेक्ट फ्रेड फ्रेंड्स इसका मतलब होता है पार्ट यानी दैट इस द मोस्ट वइंग इस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन यानी कि पार्ट ऑफ द सिचुएशन किसी भी चीज़ का एक मौजू या एक पार्ट एक हिस्सा उस बोलते कि जैसे आप सिचुएशन को किस अस्पेक्ट से देखें देख रहे हो यानी कि आप किस पार्ट से देख रहे हो किस नजरिए से देख रहे हो एक होता है एक्सेप्ट ई एक्स टी वो मैंने आपको बता दिया द म्यूजियम इज़ ओपन डेली एक्सेप्ट मंडे यानी के अलावा मंडे के अलावा सारे दिन म्यूजियम ओपन है और ही एक होता है एक्सपेक्ट जिससे बनता है एक्सपेक्टेशंस यानी कि किसी चीज़ को किसी से एक्सपेक्ट करना उम्मीद रखना ही डिडेंट एक्सपेक्ट टू सी मी यानी उसने ये उम्मीद नहीं करी कि वो मुझे देखता तो इसी से बना है आपका एक्सपेक्टेशन वर्ड तो आई होप आपको चारों एक्सेप्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट समझ में आ गए होंगे तो फ्रेंड्स यही डिफरेंस था और इसी तरीके की बहुत वीडियोज़ में आगे लेके आने वाली हूँ तो अपने इंग्लिश को घर बैठे इंप्रूव करते रहिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय